ओ मेरे सामने से एक बंदा दौड़ रहा है, शॉटगन का एक शॉट फिर से मारा। ओ भाई देख लिया मेरे को, पीछे से पर 100 हिल खा लिया, और लास्ट वाला शॉट बंदा खत्म यहाँ पर शॉटगन से। ओ जोन की तरफ अब जा रहे हैं, देखते हैं कोई बंदा है तो नहीं। मेरे पास ग्लूवल 6 है, चल जाएगा। सामने एक बंदा है, स्कार का डैमेज, साइलेंसर से फिर बंदा मेरे को देख रहा। अरे भाई 100 हिल खा गया भाई, किससे फिर से 8 करके डैमेज बंदा पर बंदा, लास्ट वाला शॉट और ये बंदा गया छोटा सा कवर पीछे से। और यहाँ पर ग्लूवल के पीछे बंदा ओ आ रहा है और शॉट बंदा खत्म। बहुत हार्ड, मजा आ गया। हेलो गाइस, वेलकम टू अर्पन गेमिंग। तो आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं रैंक सोलो, और गेम प्ले के साथ टिप्स चलता रहेगा। तो जो भी भाई हो मेरे चैनल पर नए आए हो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शॉटगन लेके बस खेलेंगे। तो पहले तो हम उतर रहे हैं पीक के वही वाले जगह पे, तो अब तो लोकेशन चेंज करना होगा। बहुत दिनों से एक ही जगह पे उतर रहा हूँ, तो दूसरा एक लोकेशन चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर चलो ये से बाली में उतरेंगे, नहीं तो इस बाली घर पे गन तो मिलना चाहिए। ओहो पहले उतर थी भाई, एक बंदा हेडशॉट मार दिया किसी को, उतरने से पहले ही जब किल हो जाता है यार, देखने में ये लगता है भाई जो फीस से मरते हैं, फीस बहुत खतरनाक। तो यहाँ पर चलो देखते हैं क्या लूटता है। मेरे पास एक लेवल 2 का हेलमेट और क्या मिला, पिस्तौल, कुछ भी अच्छा गन नहीं। एक बंदा वहाँ से आ रहा है, मैं देखा फायर ना कर दे, तो मेरे को गन नहीं मिला। देखो ऊपर कभी कभी ऐसा होता है यार, गन नहीं मिलता तो, गन नहीं मिला तो आप भाग जाओ, मत रुको। देखो मेरे को लेवल 3 का बैग मिला, हेलमेट मिल गया, वेस्ट मिल गया, बट मेरे को गन अभी तक नहीं मिला। तो इस घर में देखो कहाँ पर गन मिलता है यार, गन नहीं मिलता है तो यहाँ से भागो, पिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहुँची नॉक पे भाग जाओ। तो यहाँ पर चलो लूट लिया, मेरे को एक स्कार भी मिल चुका है, तो सब कुछ है। अब देखते हैं कवर लेकर, सामने एक बंदा था तो मैंने पुश नहीं कर रहा हूँ। तो एक चीज़ आपको बताता हूँ जो गम गलत है, कि आप देख रहे हो कि उस घर पे बंदा है तो आपके पास ग्लूवल है, बट वो जब पुश करेगा ठीक है, वो एकदम मिडिल पोजिशन पर आ जाएगा, तो आप फायर करोगे तो उसका बहुत ही कम चांस रहता है। जो भी अच्छा बंदा है एकदम प्रो वो बच सकते, नहीं तो दूसरा बंदा ऐसे खुले में मर ही जाएंगे। 22 करके रहें, 30 एंड बंदा ख़त्म। तो ऐसे आपको पता है कि बंदा आपको सामने में है और वो आपको नहीं देखा, तो आप सोच रहे हो कि वो आपको नहीं देखा, तो ऐसे यहाँ पर बस कवर लेके रहो और उसको बस आने दो, आने का मिडिल पे आए तब फायर करना। ऐसे बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं, मतलब एक गलत होता है कि भाई उसको एकदम अचानक से फायर करना, तो आप अचानक से किसी बंदे को मारोगे तो थोड़ा भाई बचेगा, वो तुरंत से मर जाएगा। आप भी यार, आप खुले में जा रहे हो, आप अचानक से एक बंदा यार चारों बंदे एक साथ फायर कर रहे हैं, मेरे होता है सोलो वर्सेस स्क्वाड में, तो आप थोड़ी बचोगे मर जाओगे, तो ऐसा कभी कभार होता है। तो बैड लक भी होता है, और इसका बैड लक मतलब ग्लूवल का कवर भी नहीं था। चलो यहाँ पर देखते, ऊपर एक बंदा था मैं देखा, तो शॉटगन एंड स्कार मिल चुके हैं, और आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए तो यार कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, मेरे पास शॉटगन एंड स्कार है, ज़्यादातर मेरे बंदे देखते हैं शॉटगन एंड स्कार। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे एम्पोरियन, NMP40, जो भी हो जाए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर चलो और देखते हैं वो बंदा कहाँ पर गया है, शायद पीक पर उस वाली घर पे जाया है, देखते हैं। पहले तो लूट लेंगे, और मुश्किल ये होता है कि बंदा ऐसे करके मारे, ऐसे मारोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई, आपको पता है कि सामने बंदा है तो मार सकते हो, बट उसको आप पता नहीं है बंदा नहीं है, तो ऐसे मेरे को खुले में मारेगा थोड़ा बचूंगा। तो यहाँ पर चलो देखते हैं, इस घर पर तो नहीं है बंदा। ओह भाई इसके ऊपर बंदा बैठा है भाई, रुकते हैं थोड़ा देखते हैं, और वो बंदा ऊपर बैठा है, मैं भी अब पुश करूँगा, लैंडमाइन नहीं है। वो एक बंदा नीचे उतरा और एक शॉटगन का डैमेज 2 मारा और ये बंदा ख़त्म, बहुत हार्ड। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट देखा वो बंदा कर क्या रहा था, मेरे को देखा था लैंडमाइन तो नहीं है, तो इसीलिए मारा लेट करके, फिर भी शॉटगन का डैमेज क्लोज इन पर सबसे तगड़ा है, और जो शॉटगन यूज़ करते हो मतलब बहुत बढ़िया है एकदम, क्लोज इन पर अच्छा चलता है। तो यहाँ पर घर पे तो रश करने के लिए शॉटगन की ही ज़रूरत है, तो यहाँ पर उसको मार दिया और लूट लेंगे, उसके बाद बंदे को मारने चलेंगे। 2 किल हो गया है, तो इस घर पे एक बंदा है, देखो ये देखो, मारा एक शॉट और ये मर गया। तो ऐसा मत करो, ये बंदा उसको झाग रहा था, मतलब सामने वाले घर पे बंदा है मेरे को पता है,
तो वो उस बंदे को देख रहा था, ऐसा मत करो, लैंडमाइन नहीं लगाओ, और उस घर पे एम करके बैठो कि वो बंदा कब आएगा, और उसके बाद में तुमको पता नहीं चलेगा नीचे से बंदा कब आके मैं उसको मार दिया। तो ऐसा मत करो, याद रखो हेडफोन लगा के देखो यार नीचे से कोई बंदा तो नहीं आ रहा, क्योंकि यार ज़्यादातर लैंडमाइन नहीं होता ना, कोई आके ऐसे ही मार देता है। तो यहाँ पर चलो देखते हैं, सामने घर पे बंदा है तो मैं वेट कर रहा हूँ। ओहो देखा मेरे को, देखा तो मैं वेट कर रहा हूँ, वो मेरे को नहीं देखा तो उसके साथ मुश्किल है, क्योंकि इस पोजीशन में वो खुले में आएगा तो मैं यहाँ से पूरा एकदम स्प्रे करूँगा एक स्कार का, तो वो पूरा मर जाएगा। तो ये एक बैड सिचुएशन है उसके लिए, तो देखते हैं क्या होता है। वो खुले में आएगा मतलब वो देखा नहीं मेरे को, ये बहुत टफ सिचुएशन है। देखते वो क्या करते, आता है कि नहीं आता है, और उस पोजिशन पर मैं मारूँगा। ओ भाई कहाँ है वो? वो आ रहा है, आ रहा है। कार का डैमेज 22, 23 और 25, लास्ट वाला शॉट भाई, ये बंदा पूरा एकदम खत्म। तो यार देखा ऐसे ही होता है, उसको पता नहीं था मैं यहाँ पर था, बट वो आ रहा है क्योंकि यार मज़े में आ रहा है कि भाई मैं जाऊँगा बंदे को मारूंगा, बट वो देखा नहीं मैं वहाँ पर था, पूरा बंदे को मार दिया। और लूट लेंगे, बेस्ट अपडेट, उसके बाद फिर से बंदे ढूंढ लेंगे। ओ भाई इसके पास बहुत सारा ग्लोबल है। तो साइलेंसर से क्या होता है देख लो, एक बंदा यहाँ पर जाएगा और मैं फायर करूँगा, इसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर कवर लेना है। तो यहाँ पर कार का डैमेज साइलेंसर से 22, 18 एंड बंदा ख़त्म। थोड़ा कम डैमेज देता है साइलेंसर पे, ये कि हो स्कार हो, बट कोई नहीं यार चलता है यार साइलेंसर पे सब कुछ, यार बंदे को पता नहीं चलेगा कहाँ से मार रहा है यार, ध्यान से वो कोशिश ना करे देखने की। तो चलो 5 किल हो चुके, आप पहुँची नॉक पे जाएंगे और बंदे ढूंढ के बस मारेंगे। चलो पहुँची, ओ पीछे से कार रहे भाई, कार आ रहा है एकदम कवर। लो भाई राइड में से निकल गया, छोड़ूंगा नहीं पीछे से, कार का डैमेज और एक कार जल चुकी है और मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। उतर रहा 18 करके डैमेज, 90, 21 भाई थोड़ा सा ही हेल्थ बचा है। और देखते हैं कार वाले को पूरा एकदम फोड़ दिया, देखो पेड़ के पीछे कवर लिया यहाँ से दिख रहा है, और कार का डैमेज मारा फिर से मारा बंदा ख़त्म। मतलब उसको पता ही नहीं चला कि भाई मैं कहाँ से मार रहा हूँ, उस कार पे बस डैमेज किया गया और उसको पता नहीं था यहाँ से दिख रहा था, तो पूरा बंदा मर गया क्योंकि मेरे पास साइलेंसर था। तो यहाँ पर चलो उसको देखते, ओह घर के ऊपर बंदा है भाई, ये कहाँ पर बैठा है भाई? सोलो पे ये ऐसा कैंपर देखने को मिलता है जो एकदम प्रो लेवल का कैंपर होते हैं वो लोग ये करते हैं। तो आप पीछे से जाके देखते हैं वो बंदा कहाँ पर है, क्योंकि उसको मेरे को मारना है, नहीं तो ऊपर से कब मेरे को मारेगा पता नहीं। कैंपर लेके मत छोड़ना मत, वो देखो देख रहा है यहाँ पर स्कार का डैमेज फिर से मारा बंदों का, वो तो कैंपर है उसको भी कवर ही लेना है। तो लेट गया वहाँ पर भाई, एक हेडशॉट मारा ये बंदा ख़त्म, मतलब पूरा एकदम कैंपर है, कुछ नहीं कर सकता। तो चलो सामने लड़ाई चल रही है, देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर पीछे लैंडमाइन लगाया हूँ, देख सकते हो वहाँ पर, देखो बंदा आ गया 50 डैमेज भाई, ये सही नहीं है, 50 डैमेज था लेवल 4 का बेस्ट का बंदा आया, और शॉटगन का डैमेज, ओ भाई ये हाथ से क्यों मार रहा है भाई, फिर से मारा और ये बंदा ख़त्म। तो यार शॉटगन के सामने हाथ से मार रहा है बंदा, तो मेरे सामने से बंदा जा रहा है, एक शॉटगन का डैमेज और फिर से मारा दो शॉटगन का शॉट, ओहो भाई पीछे से परे बहुत हेल्थ खा गया, बैकअप शॉट और ये बंदा ख़त्म बहुत हार। तो यहाँ पर इस बंदे को मार दिया एकदम कवर लेके, पांडा क्यों डांस कर रहा है पता नहीं मेरे को। तो अब जोन पर जा रहे हैं, क्योंकि यार लास्ट जोन आ रहा है बहुत ही जल्दी, और 9 किलो हो चुका, और जोन पर बस जाओ आप पहले, क्योंकि सोलो पे ना बहुत मुश्किल होता है बाद में। तो यहाँ पर बंदे को मारा 20 करके ना, ओ भाई एक मारा भाई इतना हेल खा गया भाई, फिर से मारा 7, 8 करके डैमेज, और लास्ट वाला शॉट ये बंदा गया। और पीछे तो लड़ाई चल रही है, इसके लिए एक छोटा सा कवर लिया, और देखो सच में लड़ाई चल रही है, और सामने उस बंदे को मार दिया, 10 किल हो चुका है और अभी भी 10 बंदे जिंदा है। तो देखते हैं क्या होता है, और ये बंदा लाइक भी कर रहे हैं। अब जोन चलते हैं, यहाँ पर असली वेज मिल गया मतलब एकदम पूरा, और सोलो पे आप लास्ट जोन जब जा रहे हो, लास्ट पेड़ हो तो पूरा पेड़ चेक कर लो, क्योंकि लास्ट जोन पे एकदम लास्ट पे ना पूरा पेड़ के पीछे बंदा रहता है। तो इसीलिए मैं लास्ट जोन के एकदम पेड़ करके कवर सबसे अच्छा कवर होता है लास्ट जोन पे, सोलो पे बोलो सोलो पे एटलीस्ट। यहाँ पर देखो बंदा मिल गया मेरे को 22 करके डैमेज, और बहुत प्यारा डैमेज दिया, और बंदे को पहले तो कवर ले लूँगा और उसको पीछे डाल दूंगा, और देखते उसका हेल्थ भी बहुत कम है और वो डरा हुआ है, फिर से शॉट गन का शॉट और बंदा ख़त्म। तो ऐसा हुआ कि वो एकदम कवर लेके बैठा था, मेरे को नहीं देखता तो बंदा पीछे से मेरे को मारता, और पानी में से बंदा आ रहा है भाई, 10, 13 करके डैमेज और ये बंदा ख़त्म।
तो 12 किल हो चुका है, अभी भी 4 बंदे जिंदा है, मेरे सिवा अभी 3 बंदे जिंदा है, तो देखते हैं। और ग्लूवल क्यों लगाया, क्योंकि ग्लूवल लगा के लास्ट जोन पे यार हील करो, जो भी करो, ग्लूवल नहीं है तो एक अलग बात होती है, बट ग्लूवल है तो ग्लूवल लेके हील करो और ग्लूवल लेके लूटो। तो यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास बहुत सारा ग्लूवल है और बस फेक कवर ले रहा हूँ, क्योंकि बंदे लोग सोचे कि कहाँ पर बंदा है। तो चलो अब सामने चलते हैं और थोड़ा सा बैठेंगे और वेट करेंगे, क्योंकि देखो मेरे को वेट नहीं करूँगा तो ये बंदा मेरे को मार देगा, क्योंकि ऊपर दो ही बंदा है। तो अब बंदा आएगा क्योंकि जोन आ रहा है, देखिए एक बंदा आ रहा है। कार का पहले डैमेज करूंगा, कार का डैमेज, फिर से कवर मारो, फिर से कवर, ये सबसे अच्छा ट्रिक है। और यहाँ पर पीछे से जो बंदा आ रहा है, कार का डैमेज किया और ये बंदा ख़त्म। तो ये वन भी वन हो गया, और वन भी वन में कभी भी पुश मत करना, क्योंकि पुश करना मतलब उसका एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि वो खुले में से आपको मार सकता है, बट आप कवर लेने के लेट करोगे तो आप मर जाओगे। तो यही होता है यार, पुश देख के करो, आपके पास कवर हो पुश मत करो। और मैं मार रहा हूँ, कवर ले रहा हूँ, वो मेरे को मार ही जा रहा है, और लास्ट वाला शॉट, ये बंदा ख़त्म, मज़ा आ गया बस। तो रैंक छोड़ो भूया, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाई, बस शेयर करो वीडियो को। और रैंक छोड़ो भूया, मज़ा आ गया, 14 किल।